एपिलेप्सी बा अपस्मार अन्यतम। प्रथमे बुझिबाकु पडिबो जे मस्तिष्क रे अछि कोन बा आमे जोटा दही बोली कहौछु ओडिया भाषा रे सेथिरे अछि कोन आमर ब्रेन रे बा मस्तिष्क रे आमर बहुत सेल अछि। सेल को आमे ताकु इंग्लिश रे कहू न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स सेटा होछि आमर सेल, माने जेमति कंप्यूटर रे चिप्स सेमति सेटा हला आमर सेल। बहुत मिलियंस ऑफ सेल अछि। ये सब सेल गुड़ाक एटा हूँ स्टोर हाउस ऑफ एवरीथिंग। सब जो स्टोर करके रखे आम जहाँ भी शिखुचु जहाँ भी करुचु से गोटे स्टोर हो रुए। तेणु गोटे सेल रु आ गोटे सेल को कनेक्शन हुए। चिप्स रे जमी ए चिप को से चिप जीव से चिप रु से चिप को जीव से चिप से चिप जीव आम जमी गोटे कीबोर्ड रे गोटे मारे ए मारे कि बी मारे कि सी मारे से अनुसार मॉनिटर देखेबो से सब चिप्स बाटे जाए से गोटे सर्क्यूट। तेणु आमर सेमती अच्छी गोटे अच्छी न्यूरॉन जोटा गोटे सेल आ तारो कनेक्शंस जोटा कि सब न्यूरॉन को कनेक्टेड होता है। तो जेते बारे सब जिनस ठीक ठाक रे चली जमती न्यूरॉन गोटे मेसेज दबो से करेन्ट हो गोटे सेल को दबो से करेन्टा जीव से करेन्ट पुणी आउ थे से तार निजर प्रोसेसिंग करी पुणी आ गोटे सेल को दबो एमती प्रोसेसिंग प्रोसेसिंग चले। जेतेबेळे ए सेल न्यूरॉन आउ इट्स कनेक्शन्स रे जदि फिजिकल इंजुरी हैला कि फिजिकल प्रॉब्लम हैला ता माने ए तार रे बा न्यूरॉन रे जदि किछि खंडिया धरम एकदम माने प्लेन भाषा रे कहूँ खंडिया हैला ताहले सेठी इलेक्ट्रिक करंट जो पास करछि सेटा शॉर्ट सर्किट हो जइबो। थरे शॉर्ट सर्किट हो गेले सेठी टिके शॉर्ट अल्प छोटो शॉर्ट सर्किट हेले सेठी हेकि रहिगला। किंतु जेतेबेळे शॉर्ट सर्किट बढ़ी जीव माने एरिया बढ़ी जीव आउ इलेक्ट्रिक करंट जदि टिके बेसी मात्रा रे बाहरिबो ताले सेटा एंटायर ब्रेन को पूरा बिजुली भलिया स्प्रेड कर जीव। स्प्रेड करले सब न्यूरॉन गुडा को एक्टिव हो जिवे। एक्टिव हेले एई प्रोसेस टा को गोटे कन्वर्सन हुए। ए प्रोसेस रे बा अपस्मार माने जे बात मारे बा सीजर हुए एटा होची तारो मेन कारण। सो फिजिकल इंजुरी और प्रॉब्लम इन अ न्यूरॉन और इट्स कनेक्शंस। एंतुड़ी शाला रो जोईगाड़ा पर्यंत रोग को अस्वीकार करिबा असंभव। तेबे ही रोग रो किछि संकटकारक अर्जित होइथिबा बेले आउ किछि स्वतः सृष्टि होइथाय तेबे ही एपिलेप्सी बा अपस्मार रहिछि अनेक कारण। तो जदि गोटे बात मारला ताकू आमे कहू कन्वर्सन। जदि बारंबार से बात मारला एटा गोटे रोग पाई ताकू एक आख्या दिया जाए ताले आम से होगा एपिलेप्सी। तो एपिलेप्सी बहुत प्रकार कारण हो पारे माने जेनेटिक भी हो पारे धर तुम माने फैमिली रे अच्छी सेटा हो पारे से गोटे स्मॉल प्रोपोर्शन माने सब एपिलेप्सी जेनेटिक नुहे ओनली ए स्मॉल पोर्शन। तापर जदि हेड इंजुरी है हेड इंजुरी जन्म होला बेलू पिला तार ब्रेन रे भी इंजुरी हो पारे। जन्म हबा परे इन्फेक्शन होगी इंजुरी हो पारे ना बड़ होगा परे तारो एक्सीडेंट होगी इंजुरी हो पारे हेड इंजुरी। सो एनी इंजुरी जो थे न्यूरॉन्स बा न्यूरॉन रो जो माने तार फाइबर जोटा तार सीटा जदि भांगी गला कि छिंडी गला ताले से कारण हम तो मुझे कहली जेनेटिक हो पारे ना इंजुरी हो पारे। धर आम ब्रेन रो स्ट्रोक है सो स्ट्रोक पेशेंट्स मानक भी न्यूरॉन इंजुरी हो न्यूरॉन जोड़ा खराब हो जाए से गोटे इंजुरी है पारे। धर सुगार बहुत बढ़ीगला सुगार बढ़ीगले भी न्यूरॉन को सब जिनस ठीक दरकार मुझे न्यूरॉन मैंने गोटे गोटे यूनिट ब्रेन रोटे यूनिट सेल हूँ न्यूरॉन। सब न्यूरॉन को सब जिनस ठीक दरकार सुगार ठीक दरकार टेम्परेचर ठीक दरकार सोडियम ठीक दरकार पोटासीयम ठीक दरकार सब जिनस गोटे ठीक मिल्यूरे रोथे कौन सी जिनस अपडाउन है ताले इलेक्ट्रिक करंट बाहर लाइटनिंग भाया तापर फिट्स हे। तो मु कहली गोटे है जेनेटिक द्वितीय है बर्थ इंजुरी तृतीय है इन्फेक्शन फोर्थ है स्ट्रोक फिफ्थ है एनकेफेलाइटिस माने जमी जापानीज एनसेफेलाइटिस हो जेकोसी एनकेफेलाइटिस माने इन्फेक्शन ऑफ द ब्रेन टीबी कि सिस्टिक सर्कोसिस एमती के एनी प्रॉब्लम इन द ब्रेन कैन गिव राइज टू फिट्स। और जदि फिट्सटा कंट्रोल है मानते कंटिन्यूसली है बहुत दिन धर चल ताल आम एपिलेप्सी कहू मनेकर आम छुआ को कहूँ जो एपिलेप्सी तार अच्छे
ତା'ର ଛୁଆ ଦେହରେ ଅଛି, ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖାଉଛି, ଏପିଲେପ୍ସ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ହେଡ଼୍ ଇଞ୍ଜୁରି ପରେ ବା ଟ୍ରମା ପରେ ବା ବ୍ରେନ୍ର ମାଡ଼ ବାଜିବା ପରେ ଯେଉଁ ଫିଟ୍ସଟା ବାହାରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି, ତାକୁ ଆମେ ନାଁ ଦେଇଦେବୁ ପୋଷ୍ଟ ଟ୍ରମାଟିକ୍ ଏପିଲେପ୍ସି। ଅପସ୍ମରଣ ରହିଛି ଅକ୍ଷଣକୁ ଚିହ୍ନିବା ଓ ଜାଣିବା। ଆମର ବିଭିନ୍ନ ରକମ କ୍ଲାସିଫିକେସନ୍ ଅଛି, ଆମର କ୍ଲିନିକାଲ୍ କ୍ଲାସିଫିକେସନ୍ ଅଛି, ଇଟିଓଲୋଜିକାଲ୍ କ୍ଲାସିଫିକେସନ୍ ଅଛି। କ୍ଲିନିକାଲ୍ କ୍ଲାସିଫିକେସନ୍ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଏପିଲେପ୍ସି ବାତଟା କେମିତି ହେଉଛି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ହିଷ୍ଟ୍ରି ପଚାରିକି ଜାଣିବୁ, ଯାହାକି ତା'ର ସେ ତା'ର ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲିଗ୍ ଅଗେନ୍ଷ୍ଟ ଏପିଲେପ୍ସି କ୍ଲାସିଫାଏ କରିଛି କେଉଁଟା କେଉଁ ପ୍ରକାର ଏପିଲେପ୍ସି ହେଉଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ପାଠ। ଆମେ ଜାଣିଲା ପରେ ତାକୁ କ୍ଲାସିଫାଏ କରିକିରି ତାକୁ କେମିତି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବୁ, କ'ଣ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରିବୁ, ସେଇଟା ଆମେ ଡିସାଇଡ଼୍ କରୁ। ଯଦି ଗୋଟେ ଫିଟ୍ସ ହେଲା ମାନେ ବା କନଭର୍ସନ୍ ହେଲା, ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ସେ ଯେହେତୁ ବିଭିନ୍ନ ରକମ ଏପିଲେପ୍ସି ଅଛି, ଜଷ୍ଟ କମନ୍ ଯେଉଁଟା ସବୁଠୁ ସାଧାରଣ ମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଯେଉଁଟା ହୁଏ, ସେ ହଠାତ୍ ପେସେଣ୍ଟ ଅନକନସିୟସ୍ ହେଇଯିବ, ମାନେ ପୁରା ତା'ର ହୋସ୍ ଉଡ଼ିଯିବ, ହୁଏତ ସେ ଗୋଟେ ଆ କରି ପାଟି କରିକି ପଡ଼ିଯିବ, ନହେଲେ କହିବ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଉଛି ଏମିତି କରିକି ପଡ଼ିଯିବ। ପଡ଼ିଲା ପରେ ହାତ ଗୋଡ଼ ସବୁ ଛଟ ଛଟ ହୁଏ, ଅଲ୍ ଫୋର୍ ଲିମ୍ବସ, ସେତେବେଳକୁ ପେସେଣ୍ଟ ପୁରା ଅନକନସିୟସ୍ ସେ ସରିବ। ସରିଲା ପରେ ପୁରା ଗୋଟେ ଅନକନସିୟସ୍ ଲେଭେଲ୍ରେ ରହିବ ମିନିଟେ ଦୁଇ ମିନିଟ୍, ତାପରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ତା'ର ଚେତା ପୁଣି ଆସିବ। ମୁଁ ଦେଖିଛି ଯେ ଗୋଟେ କନଭର୍ସନ୍ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଗୋଟେ କନଭର୍ସନ୍ ହେଲା ପରେ ସେମାନେ ପୋଷ୍ଟ କନଭର୍ସନ୍ ୱାନ୍ ମିନିଟ୍ ପୋଷ୍ଟ ଇକ୍ଟଲ୍ କୋମା ଆମର ସେ ଥାଏ, ମାନେ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ସେମାନେ ପୁରା ଲାଗିବ, ସେ କିଛି ନିଶ୍ୱାସ ନେଉନି କିଛି ନେଉନି, ସେମାନେ ଭାବିଲେ ଯେ ସେ ମରିଗଲେ ବୋଲି। ତା'ପରେ ତାକୁ ଏକଦମ ମାଡ଼ି ବସିକି CPR ଦେଲେ ଘରେ, ମାନେ କାର୍ଡ଼ିଓ ପଲମେରୀ ରିସସିଟେସନ୍ କଲେ, ମାନେ ହାର୍ଟକୁ ଯେଉଁଟା ବିଟ୍ ପମ୍ପିଂ କରନ୍ତି କଲେ, ସେ ତା'ର ମନକୁ ମନ ଫୁଟେ ପରେ ସେ ଉଠିଗଲା। ତା'ପରେ ତା'ପରେ ତା'ର ହେଲା ଚେଷ୍ଟ ପେନ୍ ହେଇଗଲା, ବିକଜ ମାନେ ଏତେ ଜୋରରେ ସେମାନେ ତାକୁ CPR ଦେଲେ ଯେ ସେ ତାକୁ ଚେଷ୍ଟ ପେନ୍ ହେଲା। ସୋ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଲକ୍ଷଣ ଜାଣିବା ଉଚିତ ଯେ ଯଦି ପେସେଣ୍ଟକୁ ଗୋଟେ ଲୋକଟେ ଯଦି ପଡ଼ିଗଲା, ବେହୋସ ହେଇକି ପଡ଼ିଗଲା, ହାତ ଗୋଡ଼ ଛଟ ଛଟ ହେଉଛି, ତାହେଲେ ସେଇଟା ଏପିଲେପ୍ସି। କ'ଣ କରିବା ଦରକାର? କିଛି ଯେଉଁ ଜୋତା ଶୁଙ୍ଘେଇବା, ଲୁହା ପାଟି ଭିତରେ ଚାମଚ ପୁରେଇବା, ଏସବୁ ଜିନିଷ କିଛି ନ କରିକି ତାକୁ ଖାଲି କଡ଼େଇ ଦେଇକି ଶୁଆଇଦେବା କଥା। ଆଉ ଯେଉଁଠି ପିଟି ହେଉଥିବ, ଧର ମୁଣ୍ଡଟା କି ହାତଟା କି ଗୋଡ଼ ଯଦି ତଳେ ପିଟି ହେଉଥିବ, ତା ତଳେ ଗୋଟେ ତକିଆ ବା ସଫ୍ଟ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଦେଇଦେବା କଥା, ଯେମିତି ସେ ଇଞ୍ଜୁରି ହେବନି। ଆଉ କଡ଼େଇ ଦେଲେ ତା ପାଟିରୁ ପଛରେ ଯେଉଁ ଛେପ ସଲାଇବା ସବୁ ବାହାରିବ, ସେଟା ବାହାରକୁ ପଳାଇ ଆସିବ, ନହେଲେ ସେଇଟା ଲଙ୍ଗସ୍କୁ ଯିବ। ସୋ ମୋଷ୍ଟ ଲୋକ କ'ଣ କରନ୍ତି, କ'ଣ ହେଲା ଆଗ ପାଣି ନେଇ ଆସିବେ, ସେ ପିଲା ପାଣି ପିଇବନି, ସେ ତ ବେହୋସ ହେଇକି ଅଛି, ତା ପାଟିରେ ମେଞ୍ଚେ ପାଣି ଦେଇଦେବେ, ପାଣି ଦେ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଖରାପ ଜିନିଷ। ଆଉ ସେମାନେ ଯଦି ପାଣି ଦେବେ, ସେ ତ ବେହୋସ ହେଇକି ଥିବ, ତା ଲଙ୍ଗସ୍କୁ ପଳାଇବ, ତା'ପରେ ହେଲା ନିମୋନିଆ। ତେଣୁ ଏ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଆମକୁ ଜାଣିବା ଉଚିତ। ଏଇଟା ପୁରା ଯଦି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ବା ଗୁଗୁଲରେ ଦେଖାଯାଏ, ତାହେଲେ ସେଇଟା ବହୁତ ମେଟେରିଆଲ୍ ଆସିଲାଣି। ଆଉ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେ ଟିକିଏ ୟୁଟ୍ୟୁବକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଏପିଲେପ୍ସିର ଲକ୍ଷଣ ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ, କ'ଣ କଲେ କ'ଣ କରିବା କଥା, କ'ଣ ହେଲେ ସେ ଲୋକକୁ କ'ଣ କରିବା କଥା, ସେଇଟା ବି ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ଦିଆହେଇଛି, ବହୁତ ଜାଗାରେ ଅଛି, ତେଣୁ ସେଇଟା ବି ସେ ପଢ଼ିବେ। ଖାଲି ମୁଁ କହିଦେଲେ କ'ଣ ହେବ, ପଢ଼ିବାକୁ ଦରକାର। ରୋଗୀକୁ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଦେଖିଲା ସମୟରେ ତା'ର ଇତିହାସକୁ ଦେଇଥାନ୍ତି ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ। ତାଙ୍କର ବଂଶଧରଙ୍କଠାରେ ଏହି ରୋଗର ପ୍ରଭାବ ଏବଂ ଅନ୍ୟ କିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିକାର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥାନ୍ତି ବିଶେଷଜ୍ଞ ଏବଂ କିଛି ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା ରହିଥାଏ ଆବଶ୍ୟକତା। ଜେନେରାଲି ପ୍ରିପେୟାର ହେଇକି ମଣିଷ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଏପିଲେପ୍ସି ହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ପରୀକ୍ଷା କରିବୁ। ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଗୋଟେ ଇଜି କରୁ ବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋ ଏନକେଫାଲୋଗ୍ରାମ, ଆଉ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଆମେ ବ୍ରେନ୍ର ସ୍କାନ୍ କରିବୁ। ଜେନେରାଲି ଆଗରୁ CT ସ୍କାନ୍ ହେଉଥିଲା, ଏବେ MRI ସ୍କାନ୍ ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି କରିବା ପାଇଁ, ଏ ଦୁଇଟା ମିନିମମ୍। ତା'ପରେ ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆମର କ୍ଲିନିକାଲ୍ ଫାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗସ୍ ଦେଖିକିରି ଆମେ ଡିସିସନ୍ ହେବୁ ଆଉ କ'ଣ ଯଦି କରିବୁ। ସବୁ ଏପିଲେପ୍ସିର ସେଗୁଡ଼ା ହେବନି, ଏପିଲେପ୍ସିର ମେନଲି ଇଜି ଆଣ୍ଡ MRI। ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା ଏବଂ ରୋଗୀର ଇତିହାସକୁ ନେଇ ଚିକିତ୍ସା ପଦ୍ଧତି ଆପଣେଇଥାନ୍ତି ବିଶେଷଜ୍ଞ। ଅପସ୍ମର ଏକ ପ୍ରଲମ୍ବିତ ଚିକିତ୍ସା ଜନିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିକାର ଏବଂ ଔଷଧ ସେବନର ନିୟମିତ ଦର ରହିଛି ସର୍ବାଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ। ଏପିଲେପ୍ସି ଯଦି ଯାହାର ହୁଏ, ପିଲାଦିନୁ ଯେଉଁ ଏପିଲେପ୍ସି ହେଇଥାଏ, ପ୍ରାୟ ବହୁତ ଦିନ ଧରିକି ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼େ, ଦିନ ନୁହେଁ ବର୍ଷ। ଆମେ ପ୍ରାୟ 3 ବର୍ଷରୁ 5 ବର୍ଷ ଯାଏଁ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଦେଇଥାଉ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି। ତା'ପରେ 3 ବର୍ଷରୁ 5 ବର୍ଷ ଗଲେ ଯଦି ବାତ ନ ମାରିଲା, ତାହେଲେ ଆମେ ପୁଣି ଡିସିସନ୍ ନେବୁ କମେଇବା ପାଇଁ। କମେଇଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଯେ ଆଉ ଥରେ ବାହାରିବନି ତା'ର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ,
कि समस्त आउ थे बाहर तार भी ग्यारंटी ना। यहाँ गोटे टेस्ट आमको से टेस्टा आमको करने को पड़ो ना पूरा जीवन सारा खाया पड़ो तेनाली से टेस्ट करूँ प्राय 85-90% मानक हुए ना कि बाकी 5-10% आउ थे ब्रेक थ्रू रिअपेयर करें कन्वर्सन तेणु आम बुझे यहाँ एमती करा कथा यहाँ आम मेडिसिन आस्ते आस्ते कमेबू हटात बंद करनी जदि बात मारा ताले यहाँ को दबू सब तार तार सिस्टम अच्छी तार पूरा टोटल गाइडलाइन अच्छी किंतु पेशेंट निजे निजे बंद करदे असुविधा है कि बंद कलापर भी आम कहली 10-12% तो निश्चय पुणी मार सो किए कौ कैटेगरी जीव से तो कही हेनी तो बुझे बाछे कि कर नियमित व्यवधान में रोगटीए विशेषज्ञ परामर्श ने आवश्यक विशेषज्ञ बिना अनुमति रे औषध सेवन व्यतिक्रम करवा अनुचित तेरे अपस्मर रोगीटे रही अनेक बारण जहाँकि रखि था सुरक्षित एपिलेप्सी जो मर होने किसी जिनस करेनि गोटे है पाने पहरवे कहीं जब पहरला बेलू गोटे भात में मारा बेहस बुड़जे मत पाने पहरवे खोला सीढ़ी उपरे काम करें फैक्ट्री सीढ़ी उपरे काम करती फ्रिजटा मारा तले ठोसम किए जापर कौन है तले पड़ी हेड इंजुरी भी हो देहर इंजुरी हे तेरे एकदम निया पाखे सब कम करें भोक रही मानने टाइम खाइबे मैंने सुगर जदि कमिज ब्रेन को फिट हमारे चान्स रही आती अनिद्रा रही आस्टली हूँ जो डिस्को लाइट को अवॉइड करेंगे डिस्को लाइट हेले फिट्स एग्रावेट करिवार चांस रही। विज्ञान और प्रजुक्ति विद्यार प्रयोग बल में चिकित्सा क्षेत्र में घटी अनेक परिवर्तन अपस्मर रोगर मध्य रही सफल चिकित्सा अंधविश्वास वशवर्ती न हो सठिक विशेषज्ञ परामर्श द्वारा रोगर मिल पार आरोग्य मैंने समस्त को औषध दिया हो समस्ते आम सर्जरी करूँ कि न करूँ एपिलेप्सी है मानने सीजर कन्वर्सन है मानने मेडिसिन खाइबे कौ क्षेत्र में एपिलेप्टिक सर्जरी हुए जेतेबाळे मेडिसिन खाइबा सत्वे मैक्सिमम डोज रे मैक्सिमम नंबर ऑफ मेडिसिन खाइबा सत्वे जदि फिट्स कंट्रोल है तार गोटे माप अच्छे मसक एटा एति दिन एमती है आम अनकंट्रोल सीजर्स को रिफ्रैक्टरी एपिलेप्सी को से पेशेंट मानक आम पुणी सर्जरी काले भल हो स्टडी करा जाए तार पुणी समस्त सर्जरी हाँ तार भी ठीक ना पुणी तार विभिन्न टेस्ट अच्छी करने से टेस्ट जदि जना पड़ा जे ये जगार आसूरी ये प्रॉब्लम अच्छी से फिट्स होती एपिलेप्सी सर्जरी करके से पॉइंटा काटदे पड़ो आउ ना जदि विभिन्न रकम मेथड आसगला नुआ नुआ जिनस भी बहुत आसगला वेगल नर्व स्टिमुलेशन आसगला पेस मेकर भाया गोटे जिनस कितु से गुड़ाक एक्सपेनसीव आगुड़ाक लर्निंग कर्व इज वेरी हाई तम लर्निंग कर्व हाई मैंने बहुत ट्रेनिंग दरकार से बहुत एक्सपेनसीव से गुड़ाक आम देश टे आम ओडार एटलिस्ट टे बर्तमान डिफिकल्टी अच्छी अपस्मार संपर्क जनसचेतनता सृष्टि व्यक्तिगत एवं गोष्ठीगत स्तर में जारी रही उद्यम उद्देश्य जनसाधारण ही रोग संपर्क में जानतु नवंबर 7th एपिलेप्सी डे रे आम प्राय मैं पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम से गोटे एपिलेप्सी डे अच्छी मैंने जहाँ घरे जड़े एपिलेप्टिक अच्छे पिला बड़ से जानवे जे पृथ्वी सारा बहुत लोकों घरे बहुत जन को एपिलेप्सी थाए तो एपिलेप्सी विषय गोटे नॉलेज आसीबो एपिलेप्सी केमती प्रिवेंट करिवो केमती कंट्रोल करिवो से विषय नॉलेज आसीबो आउ एटा गोटे सोशल स्टिग्मा नुहे एपिलेप्सी हेला भी अछुआ हेगला सेटा भी जानिया को पड़ियो कारण आगुरु तो भूत लागिछि बोलिकरी पूरा चेंका बेकरे हाथरे गोड़े सब चेंका दौले कि भूत भूत किसी ना यहाँ गोटे एपिलेप्टिक डिस्चार्ज इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज फ्रॉम द ब्रेन तेणु एपिलेप्सी डे रे इंडिया सारा बा पृथ्वी सारा प्रोग्राम करा जाए आ विभिन्न स्टेट रे विभिन्न एपिलेप्सी सोसाइटी आम सब अच्छी से प्रोग्राम करा जाए पब्लिक को अवेयरनेस कराओ जे एपिलेप्सी रे कौन करा जाए एबे पर्यंत बहुत लोग जान ना एपिलेप्सी माने कौन एत थर आम कहले केतर टीवी आसला रेडियो आसला खबरक बाहर
तेबे भी बहुत लोग जाणी ना एपिलेप्सी कौन बहुत कम लोक जानते मुझे गवर्नमेंट भी टिके माने सचेतन होकर अवेयर करवा उचित कारण से माने पाखे बहुत सुविधा अच्छी करने आगे जिनस कहार अच्छी मोर एपिलेप्सी हेले तार मेडिसिन अच्छी मेडिसिन खाइबाक पड़ो एपिलेप्सी बहुत दिन जाए रहीगला मेडिसिन भी कम करवा कष्ट गोटे कि दुटा कन्वर्सन है निश्चय आपण मैंने न्यूरोलॉजिस्ट को देखेबे बा पीडियाट्रिशियन को देखेबे छुआ हेले ताले एपिलेप्सी कंट्रोल आसीबो गोटे नॉर्मल लाइफ लीड कर पारिबो गोटे परिवार रे गोटे छुआ को जे कोनोसी रोग हेले से माने विव्रत हो जाते कहीं एपिलेप्सी कह कि जे कोनोसी अन्यान्य रोग कह तेना एपिलेप्सी भी गोटे डिजीज भाया अन्य डिजीज भाया गोटे डिजीज सेम गोटे अछुआ रोग नुहे मेडिसिन खाइले कंट्रोल हो तेणु एत भी टेंशन हवा उचित नुहे ब्रत हवा उचित नुहे से हटात बहुत मैं स्ट्रेस हो जाती आउ गोटे जिन कह कथा जे एपिलेप्सी रे सब प्रकार नॉर्मल काम करें गोटे नॉर्मल लाइफ लीड करें किंतु आमर जो स्वभाव अच्छे लुचेवा मान धर गोटे झील को एपिलेप्सी बापा माँ मैंने लुचे कि बाहर करदे से बा दी मास सब मेडिसिन जहाँ खाऊ सब मेडिसिन बंद करदे खाईपर शाशुघर मार दी मास परे बाहरला कन्वर्सन जमी कन्वर्सन बाहर तापर आरंभ कर सब मिछ सत सब कहीकि आरंभ करेंगे तापर तार शशुर घर नहीं कि आसवे शशुर आसव स्वामी आसव आगे बस एमती मैंने सब एपिलेप्टिक ओपीडी मोर एटा गोटे चलची पाला जिते कहले भी तुम्हें जड़े कि बाहर कर से कौन अच्छे किंतु ना जड़े तो कई बाहर नहीं आम कमी बाहर करूँ तेणु मोर कह कथा हूँ झील पिला जदि एपिलेप्सी है असुविधा फैमिली रे कारण आम भाव झील है मान बाहब झील है मान शाशुघर को जीव झील है मान शाशुघर जा पुणी पिला जन्म कर जो रही सैकल से चेंज हवा उचित झील है कौन है झीर एपिलेप्स है पाठ पढ़ेब मनस कर चाकरी कर से निजे रोजगार कर से निज गोड़े निजे ठिया हे से गुड़ाक छाड़ बाहर करदे सी तापर दि मस हो झगड़ा झाटी डिवोर्स अमुक कर पुणी चली आसे मैंने लास्ट विक् मुझे गोटे पेसेंट देखते शशुर नहीं कि आसला ये इज गोटे कराइप शशुर कह कहीं करी ता माँ कह तुम्हें कहीं करनी मुझे बाहर करी एक यही मोर ओपीडी सामने ही से झगड़ा आरंभ करदे तेणु यही सब जिनस थाए गोटे सोशल स्टिग्मा रही किंतु मु भावी बापा मैंने बाहर करेबि ये कम कर नक से पिला को केमती मनीष करेबि पाठ पढ़ेबि पढ़ी से केमती चाकरी कर निज गोड़े निजे ठिया मुझे से सब इम्पोर्टेंट जिनस अपस्मार भि एक स्पर्शकतर स्वास्थ्य समस्या संपर्क एवं भी रही साधारण लोक मनरे अनेक अंधविश्वास तेज अंधविश्वास गुणीगारेड़ी कि भूतप्रेत प्रभाव नुहे अपस्मार गोटे स्नायुजनित समस्या रोग विषय जानतु सचेतन हूँ सठिक विशेषज्ञ परामर्श नहीं रोगर उपशम करा।